नसरुल्लागंज में चोरी की वारदातों में लगातार इजाफा हो रहा है। इस बार चोरों ने आधा दर्जन से अधिक दुकानों को अपना निशाना बनाया और अब ये पुलिस के लिए भी एक बड़ी चुनौती बन गए हैं। नसरुल्लागंज के भोपाल रोड का ये मामला जहां आधा दर्जन से अधिक दुकानों में चोरी हुई है। बदमाश नकदी के साथ ही दुकान में रखा सामान भी ले गए, गैराज के सामने खड़े वाहन के पहिए तक निकालकर ले गए। पुलिस की लापरवाही भी यहां पर देखने को मिली है। बदमाशों ने जिन औजारों से ताले और सीसीटीवी कैमरे तोड़े उन्हें जब्त तक नहीं किया गया। पीड़ित दुकानदार का आरोप है कि पुलिस ने पूछताछ कर सिर्फ औपचारिकता निभाई है। घटना को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता ने भी पुलिस पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। शटर का ताला तोड़कर चोर अंदर घुस गए, उसके बाद काउंटर का लॉक तोड़कर उसमें जो पैसे रखे थे वो सारे पैसे निकाल ले गए। यहाँ पर प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है, लगातार चोरी होती जा रही है। इसके अलावा अपनी दुकान के अलावा भी हमारे इस रोड पे भोपाल रोड पर 5 जगह पर और भी चोरी हुई, लेकिन अभी तक कोई प्रशासन वाला बंदा यहाँ पर आके ना तो किसी ने चेक किया क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ना कोई ये राड यहीं पर पड़ी हुई थी, उन्हें सिर्फ देख के और चल गए। 3 तेल के कुप्पे लगा और 2 10-10 की गड्डी ले गए। मतलब टोटल अनुमान लगा जाए तो 9,500 रुपए का। पूरी तरीके से मुख्यमंत्री का विधानसभा क्षेत्र अपराधियों की शरणस्थली बन गया। पहले हम माफियाओं के नाम पर आरोप लगाया करते थे, रेत माफिया, भू माफिया, शराब माफिया, लेकिन आज पूरे क्षेत्र में अपराधों का ग्राफ इतना बढ़ गया है कि जो चोरी, हत्या का प्रयास, बलात्कार, दलितों और आदिवासियों के साथ अत्याचार, इसकी संख्या बहुत अधिक मात्रा में बढ़ी हुई है। और अभी मुझे पता चला है कि कल रात को व्यापक पैमाने पर शहर में 7 या 8 जगह पर, एक दर्जन आधा दर्जन से ज़्यादा जगह पर चोरी की घटनाएं हुई। कि पुलिस की निष्क्रियता है, जहाँ तक कि कोरोना का रात में लॉकडाउन लगा हुआ है, कोरोना कर्फ्यू लगा हुआ है, ऐसी अवस्था में या तो पुलिस चोरी हुई है या अपराधियों से उनकी सांठगांठ है, चोरों से उनकी सांठगांठ है। लगातार शहर में 7 या 8 घटनाएं चोरी की हुई है, निश्चित तौर पर यह पुलिस की निष्क्रियता और सुस्तता को बताता है।